सुकी मिची मून एंड फैंटेसी सीजन 2 एपिसोड 8 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि आज डेमी प्लेन में बारिश आ रही है। जिसे देख कर माकोटो कहते हैं कि क्या अर्ली समर आ गया है या फिर प्लम रेन सीजन। तो टोमोए से बताती है कि माकोटो ने लास्ट बार जो गेट यूज किया था उसी की वजह से इस डेमी प्लेन का वेदर अफेक्ट हो रहा है। वही मियो भी आकर कहती है कि वेदर की बदलने की वजह से जो सब्जियां हैं वो भी खराब हो रही है। वही शिकी कहते हैं कि यहाँ के लोग इतने ज्यादा अफेक्टेड नहीं हुए हैं, लेकिन अचानक से थंडरस्टॉर्म आ जाते हैं या फिर इतनी तेज गर्मी पड़ जाती है। ये सुनकर माकोटो कहते हैं कि हम लोग को यहाँ पर एक रेगुलरिटी बनानी होगी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जापान में था। तभी टोमोए कहती है कि माकोटो की माना से डेटा कलेक्ट करके उसने नोटिस किया कि मिस्टीडो और वेदर का लिंक काफी प्रेडिक्टेबल है। मैं जाकर ऐसी जगह ढूंढूंगी जहाँ पर चारों सीजन एफर्टली चेंज हो सकते हैं। तो माकोटो कहते हैं ठीक है, मैं भी रोज गार्ड में वापिस जा रहा हूँ, तुम जरा केयरफुल है ना। वहीं पर अम्मी थोड़ा से दुखी हो जाती है और माकोटो से कहती है कि क्या फिर से जा रहे हो। जिस पर माकोटो कहते हैं हाँ, लेकिन चिंता मत करो, इस बार मैं घर और ज्यादा आया करूंगा अगर मेरे पास समय हुआ तो। जिसके बाद माकोटो देखता है कि सभी लोग नीचे खड़े थे और वो काफी ज्यादा उदास है क्योंकि माकोटो जा रहा है। ये देख माकोटो भी थोड़ा सा उदास हो जाता है और अब अगले सीन में वो अपनी शॉप पर आता है जहाँ पर एक्वा और रैरी सारी कमाई माकोटो को दे देते हैं। वो काफी ज्यादा पैसा होता है। शिकी अब कहने लगता है कि जो बिजनेस है वो काफी अच्छा कर रहा है, समय आ गया और ज्यादा शॉपकीपर्स रखने का। वहीं पर माकोटो एरिस और एक्वा का शुक्रिया करता है और कहते हैं कि तुम लोगों ने काफी अच्छा किया। वो उन्हें रिवॉर्ड में केले दे देता है, केले लेकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगले सीन में माकोटो अब एकेडमी में आ जाता है जहाँ पर उन्हें आज के लेसन को पढ़ाने के लिए एक स्पेशल परमिशन चाहिएगी जो कि उन लोगों को मिल चुकी है। तब यहाँ पर मिस्टर ब्लाइट आ जाते हैं जो कि माकोटो से कहते हैं कि तुम अपनी दुकान पर जो एक्सटर्नल वुंड ऑइंटमेंट बेचते हो मुझे उनके 10,000 खरीदने हैं क्योंकि समर ब्रेक और स्कूल एनिवर्सरी के बीच में मेरे कुछ स्टूडेंट क्लास में घायल होकर आ गए हैं। तो माकोटो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा। तो अब ब्लाइट कहते हैं कि तुम्हारे ऑइंटमेंट मैंने खुद यूज करके देखे हैं और वो काफी कमाल का है और काफी अफोर्डेबल भी है। तो माकोटो कहते हैं हाँ, हम लोग और भी काफी सारे आइटम बेचते हैं, जब मन गए दुकान पर आ जाना। तो ब्लाइट कहते हैं ठीक है मैं जरूर आऊंगा। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं पर शिनकी कहने लगता है कि हम लोग को स्कूल के अंदर काफी रेपुटेशन मिल गई है। वहीं माकोटो कहते हैं मैं होप करता हूँ ब्लाइट हमारे सामान को वापिस रीसेल करके प्रॉफिट ना कमा रहा हो। और अब अगले सीन में माकोटो आकर देखता है कि उसको काफी सारे लेटर्स मिले हैं, जिसे देखकर शिनकी माकोटो से कहते हैं कि बेकार के लेटर्स को तो मैं संभाल लूंगा, अब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे ये स्टूडेंट एप्लीकेशन पढ़ लो। तो माकोटो भी वो एप्लीकेशन पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है कि 3 नए स्टूडेंट आ रहे हैं और उनमें से एक स्टूडेंट का नाम करण फोर्स है। माकोटो अब अगले 2 स्टूडेंट का नाम देखकर हैरान हो जाता है और कहते हैं क्या ये दोनों भी आ गए क्या। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं माकोटो अपनी क्लास पढ़ाने के लिए आ जाता है जहाँ पर वो सभी को बताते हैं कि 3 नए स्टूडेंट आज हमें और ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले सिर्फ रैम ब्रांड अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि बीमारी के चलते मैं इतने दिनों से एब्सेंट थी, जब तक मैं पहले जैसे नहीं हो जाती तो मैं तुम लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती हूँ, प्लीज माइंड मत करना। और मेरी स्पेशलिटी ऑफेंसिव मैजिक है और मेरे पास फायर और अर्थ एलिमेंट है और साथ में अर्थ स्पिरिट की मेरे ऊपर प्रोटेक्शन है। इसके बाद सिर्फ की छोटी बहन अपना इंट्रोडक्शन देती है जिसका नाम होता है यूनो रैम्ब्रांड। वो कहती है कि क्लास में मैं अपना बेस्ट दूंगी और फिजिकल कॉम्बैट में मैं स्किल्ड हूँ और मैं सेंटर को गार्ड भी कर सकती हूँ और सिचुएशन पर डिपेंड करता है, मैं एक आर्चर भी बन सकती हूँ और एक लेंसर भी। मैं मैजिक का यूज करके अपने अटैक को भी बूस्ट कर सकती हूँ लेकिन मैं उसमें स्किल्ड नहीं हूँ। वही माकोटो को याद आता है कि ये दोनों रैम्ब्रांड की बेटी है जिन्हें वो पिछले सीजन में बचा कर आया था क्योंकि इन लोगों को कर्ज लगा था। माकोटो अब काफी खुश होता है कि ये लोग फुल रिकवर हो चुके हैं। जिसके बाद अब अगली स्टूडेंट सामने आती है, उसका नाम होता है करण फोर्स। वो कहती है कि मैं फुस रॉयल एकेडमी से एक ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ और मेरे पास वाटर एलिमेंट है। वहीं पर माकोटो और शिनकी को करण के ऊपर थोड़ा सा शक हो रहा होता है, जिसके बाद माकोटो रैम्ब्रांड सिस्टर से कहते हैं कि तुम्हारे जो डैड है वो मेरे फ्रेंड है पर मैं तुम लोग को कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देने वाला हूँ, समझे। तो वो लोग भी कहते हैं ठीक है। वहीं पर बाकी स्टूडेंट सोचने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रैम्ब्रांड सिस्टर इतनी बदल कैसे गई है। उन लोग को बातें करते हुए देख माकोटो सोचता है कि इन लोगों को क्या हुआ। तो शिनकी बताता है कि रैम्ब्रांड सिस्टर स्कूल के अंदर अपना काफी एटीट्यूड दिखाती थी और वो काफी ज्यादा रूड भी थे, लेकिन अब वो लोग बदल गए हैं। वही माकोटो कहते हैं मेरे को लगता है ये बिल्कुल भी रूड थे। जिसके बाद माकोटो सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि आज की क्लास के लिए मैंने एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी तैयार करी है, आज जो नए 3 स्टूडेंट आए हैं वो साइड में वेट करेंगे और बाकी सभी लोग मेरे पीछे हो। जिसके बाद वो लोग माकोटो के पीछे आते हैं। वही माकोटो उन लोगों को बताता है कि मैं एक अपोनेंट को समन करूंगा और तुम लोगों को उससे लड़ना है। ये सुनकर सभी बच्चे कहते हैं क्या माकोटो समनिंग मैजिक भी कर सकता है, आखिरकार आज हम लोग कितनी बार हारने वाले हैं। जिसके बाद माकोटो समन करके लिजर्डमैन को बुला लेता है, जिसे देख वो लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि हमने इस लिजर्डमैन को कभी नहीं देखा है, क्या ये ताकतवर है। तो माकोटो कहते हैं कि मैं ये नहीं बता सकता हूँ, ये बस मेरा एक दोस्त है, इसका नाम ब्लू लिजर्ड है। माकोटो और ब्लू लिजर्ड से चुपके से कहते हैं कि मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, ब्रीथ का यूज मत करना और सिर्फ अपनी ताकत का सिर्फ 20% यूज करना इसे लड़ने के लिए। तो वो लिजर्डमैन भी मान जाते हैं, जिसके बाद माकोटो उन्हीं 3 स्टूडेंट के पास आकर कहते हैं कि आज तुम लोग मुझसे लड़ोगे और चिंता मत करो मैं हमला नहीं करूंगा, तुम ही लोगों को हमला करना है। टाइम टू टाइम मैं तुम लोग को कॉम्बैट सिचुएशन और टॉपिक के बारे में बताता रहूंगा, अगर तुम अपनी गलती को सुधारोगे नहीं तो तुम लोग इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, इंजर्ड होने के लिए तैयार हो जाओ। अगले सीन में हम लोग उसी लिजर्डमैन को देखते हैं जिसे कोई भी हरा नहीं पा रहा होता है। जिसके बाद हम लोग उन्हीं तीनों को देखते हैं जो कि माकोटो से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले यूनो माकोटो के ऊपर एरो से हमला करती है, पर माकोटो के ऊपर जो बैरियर लगा था वही इतना ताकतवर होता है कि वो यूनो की तीर को आराम से रोक लेता है। माकोटो यूनो से कहते हैं कि तुम काफी कमजोर हो, मैं काफी डिसअपॉइंट हुआ। ये सुनकर यूनो उसके ऊपर वापस हमला करती है जिसे माकोटो वापस से रोक देता है। वह उसे
चाहते हैं कि अपने अटैक के अंदर अपना माना लगाओ और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, नहीं तो अगली बार मैं तुम्हारे अटैक को जला दूंगा। वहीं पर हम लोग सिफ को देखते हैं जो कि माकोटो के ऊपर एक काफी बड़े फायरबॉल से हमला करती है, पर अब माकोटो को अब भी कुछ नहीं होता है। तभी करण अपनी पावर को यूज करके माकोटो को जमा देती है। ये देखकर माकोटो उसकी तारीफ करता है और कहते हैं कि करण को कास्टिंग के टाइम गैप के बारे में अच्छे से पता है और सिर्फ अपने अपोनेंट को ट्रिक करने की सोच रही थी। ऐसा बोलने के बाद माकोटो उस बर्फ से बाहर आ जाता है और कहते कि सिर्फ बैटल की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन अपनी स्पीड बढ़ाओ, करण को अपने आउटपुट स्ट्रेंथ को बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए और इफेक्ट ड्यूरेशन पर भी। तभी यूनो माकोटो के ऊपर तीर से हमला करती है और अब इस बार माकोटो उसकी तीर को जला देता है और उसे कहते कि तुम्हारी फिजिकल बूस्टिंग और माना इन्फ्यूजन इतना अच्छा नहीं है, तुमने काफी जल्द एक पावरफुल शॉट अनलीश कर दिया, इसे तुम्हारा शॉट काफी क्रूड हो गया, तुम टेस्ट फेल होती हो, अगली बार अपना लेंस यूज करो। तो यूनो कहती है ठीक है। तभी सिर्फ कहती कि जो अगला हमला होगा वो काफी सीरियस होगा, तो माकोटो उन लोगों को बोलता है कि आज तुम लोग की ऐसी हार होने वाली है जिसे तुम लोग कभी नहीं भुला पाओगे, लेकिन फेलियर तो एक्सपीरियंस करने ही पड़ते हैं। ये बात सुनकर उसके अपोनेंट काफी डर जाते हैं। वहीं पर अब अगले सीन में हम लोग इस लिजर्ड मैन को देखते हैं जो कि अपनी तलवार को हल्के से स्लैश करता है जिसकी वजह से काफी तेज हवा चलती है और सभी लोग हवा में उड़ने लगते हैं। तभी इज़ेमो अपनी बची हुई ताकत का यूज करके अपने साथियों को बूस्ट कर देता है। इस पावर का यूज करके एबेलिया लिजर्ड मैन के ऊपर एक फायर एरो से हमला करती है जिसे वो लिजर्ड मैन एक छलांग मारकर डॉज कर देता है। तभी लिजर्ड मैन के पीछे जिन आ जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, वो अब उस लिजर्ड मैन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन लिजर्ड मैन का आर्मर काफी ज्यादा ताकतवर होता है जिससे कि जिन के हाथ से तलवार ही छूट जाती है जब वो उसके ऊपर हमला करता है तब, और अब वो लिजर्ड मैन जिन के ऊपर भी हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। और अब इसी तरीके से सभी स्टूडेंट्स की काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। माकोटो सभी से कहते हैं कि तुम लोग फेल क्यों हुए हो उसके बारे में एक रिपोर्ट लिखना और मुझे सबमिट करना। वही माकोटो करण से कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ आओ, तो वो मान जाती है और वो माकोटो के साथ जाने लगती है। वहीं पर सभी बच्चे कहने लगते हैं कि लिजर्ड मैन तो कितने स्ट्रांग होते हैं, हमारी हालत ही खराब होगी। तो शीकी उनके पास आकर कहते हैं चिंता मत करो, माकोटो तुम्हारे सामने कभी ऐसी चीज नहीं लेकर आएंगे जिसे तुम लोग पार न कर पाओ, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। वो अभी तो स्ट्रिक्ट बन रहे हैं, इसका मतलब वो तुम सभी लोगों से काफी ज्यादा हाई होप रखते हैं। ये देखकर तो मुझे जलन हो रही है, क्योंकि काफी समय से माकोटो ने मुझसे भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी है। जिसके बाद वो उन रेमनेंट सिस्टर से कहते हैं कि क्या तुम दोनों कंटिन्यू कर पाओगी, जिस पर वो कहते हैं हाँ कर पाएंगे। ये सुनकर शिनकी खुश होता है और सभी से कहते हैं कि मैं वेट करूंगा तुम सभी लोग के स्ट्रांग बनने का। तभी एबेलिया रेमनेंट सिस्टर से कहती है कि अगर तुम लोग को दिक्कत ना हो तो हम लोग लेसंस के रिगार्डिंग थॉट एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वो लोग भी खुश रहते हैं और कहते हैं हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग करण को देखते हैं जो कि माकोटो से कहती है कि तुमने मुझे अकेले में क्यों बुलाया, जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हारी ताकत थोड़ी सी अनयूजुअल है, वो बाकी स्टूडेंट की तरह नॉर्मल नहीं है। तो करण कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आर्मी में मैं मैच के तौर पर काम किया करती थी, अगर तुम्हें अभी भी शक है तो मैं अपनी यूनिट के बारे में तुम्हें बता सकती हूँ। तो माकोटो कहते हैं नहीं मैं तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया। ये सुनकर करण कहती है तो फिर तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो, जिस पर माकोटो कहते हैं कि मैं तो बस ये सोच रहा था कि तुम असली करण फोर्स हो या नहीं। ये सुनकर वो हंसती है और कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, असली करण तो मैं ही हूँ, क्या तुम मुझे अच्छे से जानना चाहते हो तो मेरी बॉडी चेक करो। तभी माकोटो से कहते हैं कि तुम एक डीमन हो, तुम हमारी एकेडमी में क्या कर रही हो, तुम्हारे पास हॉर्न्स भी नहीं है, स्किन और आंख का कलर कभी झूठ नहीं बोलता है, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एक डीमन हो। तो करण उसे कहते हैं कि अच्छे चेक करो तुम्हें कौन से एंगल से लगता है कि मैं एक डीमन हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो माकोटो के ऊपर अपनी आंखों की पावर यूज करती है, पर माकोटो का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारा चार्म मुझ पर काम नहीं करेगा होनलेस डीमन कहीं की। ये सुनकर वो कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी एक्सपोज हो जाऊंगी, लेकिन मुझे कभी होनलेस मत बुलाना वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सुनकर माकोटो उसे कहता है तो इसका मतलब तुम असली करण नहीं हो। तो कहती है मैंने कुछ नहीं करा है, जो कुछ भी करा है वो करण की दोस्त ने करा है। ये सुनकर माकोटो थोड़ा सा शौक होता है। वहीं पर करण उसे कहती है कि तुम काफी कोल्ड हो, क्या तुम इंसान नहीं हो, मुझे लगा कि तुम डीमंस को मार देते हो तुरंत ही। तो माकोटो से कुछ बताने वाला होता है लेकिन तभी रुक जाता है और कहते हैं कि नहीं ऐसा बोलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। वो इस बार अब करण से बोल के बात करता है। वो उसे कहते हैं कि जब तक हम लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं तुम्हारी रेस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। ये सुनकर करण हैरान होती है और कहती है कि तुम हमारी भाषा बोल सकते हो। तो माकोटो कहते हैं हाँ कॉमन टंग के अलावा मैं सारी लैंग्वेज बोल सकता हूँ, मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें क्या बुला सकता हूँ। तो अब करण कहती है कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मार देती हूँ नहीं तो तुम्हें रास्ते के बीच में आओगे। तभी यहाँ पर शिकी आ जाता है और माकोटो को बताता है कि इसका नाम रोना है, यह डीमन आर्मी की चार जनरल में से एक है। ये सुनकर रोना हैरान हो जाती है कि शिकी को उसके बारे में कैसे पता। वही माकोटो टेलीपैथी का यूज करके शिकी से कहता है कि क्या तुम इसे जानते हो। तो वो कहते हैं हाँ जब मैं एक लीश था तब मैं उसे मिला था, मेरे इस रूप में वो मुझे नहीं पहचान पा रही है, बेहतर ये रहेगा कि हम उसे नहीं बताएंगे कि मैं कौन हूँ। वहीं पर माकोटो रोना से कहता है कि एक मर्चेंट के तौर पर इन्फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है, मैं नंबर्स और इन्फॉर्मेशन में काफी ज्यादा आगे हूँ। ये सुनकर रोना कहती है कि मैं तो मुसीबत में पड़ गई, चलो हम लोग यहाँ पर खड़े नहीं होते हैं, कहीं और चल के बात करते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग फाइव आयरन में आ जाते हैं बात करने के लिए और साथ में वो लोग खाना भी खा रहे होते हैं। रोना कहती है कि मैं कुज़ुना कंपनी के बारे में और जानना चाहती हूँ, तुम्हारे एक आउटलेट सीकी में भी है ना। तो माकोटो कहते हैं हाँ। तो रोना कहती है कि क्या वहाँ पर वो तुम्हारी इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो माकोटो कहते हैं नहीं, हम लोग किसी भी फैक्शन से बिलोंग नहीं करते हैं, ना ही किसी इंसान से और ना ही किसी डीमन से। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम ये क्या कह रहे हो। तो माकोटो कहते हैं कि शौक होने की जरूरत नहीं है, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि कुछ इंसान तुम्हारी साइड पहले डिफेक्टेड हो चुके होंगे। वो सुनकर रोना कहती है ओ अब समझ आया कि तुम
इन्फॉर्मेशन इकट्ठी क्यों कर रहे हो? तो माँ कटाबू से कहते कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम हमारे स्कूल में क्यों आई हो? मैं ये बस इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे बिजनेस के बीच में कोई भी आए। तो कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे इंटेंशन समझ गई हूँ, लेकिन मैं अभी तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। पहले हम दोनों को अच्छे से एक दूसरे को जानना चाहिए। ये सुनकर शिकी रोना से कहते हैं कि तुम माकोड़े के साथ कोई भी बॉडीली कॉन्टेक्ट नहीं बना सकती हो। ये सुनकर माकोड़े भी क्षमा आता है और कहते ओ, रोना का कहने का ये मतलब था। मैं रोना थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो जाती है और कहती है कि मैं माकोड़े को और अच्छे से जानना चाहती थी। तो हम माकोड़े से कहते हैं कि इन सब बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मोटिव क्या है, कि तुम स्कूल में क्यों आई हो। जिस पर वो कहती है कि मेरा मकसद ये है कि मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहती हूँ और ख्याल रखना चाहती हूँ सीक्रेट ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का जो कि सिटी में चल रहा है। और अगले सीन में माकोड़े अपनी दुकान पर आता है जहाँ पर उसको राइम मिलता है जो कि टोमोए का स्पाई है। और टोमोए ने ही राइम को कहा है कि वो माकोड़े की मदद करने के लिए आए। तो माकोड़े कहते हैं हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम सिटी में मेरे लिए कुछ इन्वेस्टिगेट करो। हाल फिलहाल में काफी सारे डेमी ह्यूमंस को किडनैप कर लिया गया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी एक्टिविटीज चल रही है, इन सब में असैसिन गिल्ड भी इन्वॉल्व है। एक असैसिन ने मेरे ऊपर भी हमला कर दिया था, इंटेल काफी ज्यादा क्रेडिबल होगी। ये सुनकर रैम कहते हैं कि अगर ये सच है तो ये तो काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मैं इन्वेस्टिगेशन करने जाता हूँ। जिसके बाद माकोड़े एरिस और एक्वा से कहता है कि क्या यहाँ का काम पूरा करने के बाद तुम एक और काम में मदद करोगी। तो वो लगा उसे कहते हैं कि क्या तुम हमसे ओवर टाइम काम कराना चाहते हो। तो माकोड़े कहते हैं हाँ, रिवॉर्ड में मैं तुम्हें और ज्यादा केले दूंगा। ये सुनकर वो लोग खुश जाते हैं और कहते हैं ठीक है, हम लोग काम करेंगे। अगले सीन में हम लोग शिकी को देखते हैं जो कि माकोड़े से कहते हैं कि मुझे लगता है कि हम लोग को रोना की सारी बातों पर बिलीव करना चाहिए। तो माकोड़े कहते हैं हाँ, मैं एग्री करता हूँ, वैसे तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है? तो शिकी बताते हैं कि हम लोग पार्टनर थे और हम लोग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज किया करते थे, लेकिन वो मुझे काफी सारी परेशानियों में डाल देती थी। डीमन किंग को भी वो काफी ज्यादा ओ करती है, तो उसने कसम खाई है कि वो डीमन किंग के लिए लॉयल रहेगी। रोना मियो जितनी स्ट्रांग तो नहीं है, पर तुम ये मान सकते हो कि वो मियो जैसी ही है। ये सुनकर माकोड़े डर जाता है और वो कहते हैं कि हम लोग को रोना के मूवमेंट्स को अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा। तो शिकी कहते हैं हाँ, मैं तो वो पहले से ही कर रहा हूँ। जिसके बाद माकोड़े कहते हैं कि अब हम लोग को रेमनेंट सिस्टर से मिल जाना चाहिए। वो सुनकर शिकी कहते हैं हाँ, मैंने तो गिफ्ट भी तैयार कर लिए हैं। और अब अगले सीन में वो लोग वहाँ पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वो जगह तो काफी ज्यादा बड़ी होती है। वो अब अंदर जाते हैं जिसके माकोड़े रेमनेंट सिस्टर से कहते हैं कि जब तुम लोग ठीक नहीं थे तो मैं तुम लोगों से मिलने नहीं आ पाया था, माफ करना। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुम लोग अच्छे से ठीक हो गए। ये सुनकर वो लोग माकोड़े से कहते हैं कि तुम तो क्लास में अलग लगते हो। तो माकोड़े कहते हैं हाँ, क्लास के अंदर मुझे स्ट्रिक्ट बनना पड़ता है, बाकी लोगों को मत बताना कि मैं तुम लोगों से मिलने आया हूँ। तो वो लोग भी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद माकोड़े से कहते हैं कि शुक्रिया, आपकी वजह से हम दोनों की जान बच पाई, अगर आपको किसी भी काम में हमारे जरूरत हो तो हमें जरूर बताना। माकोड़े उन लोगों से कहते हैं कि अच्छे से खुश होकर रहो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो और मुझे मास्टर बुलाना बंद करो, तुम लोग मुझे सर बुला सकते हो। तुम लोग फ्री हो चुके हो तो तुम लोग को ग्रेटिट्यूड देने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हारे डैड ने मेंशन तो किया था तुम्हारी रिकवरी की जर्नी को। ये सुनकर वो लोग गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि हमने और हमारी मॉम ने मिलकर अपने डैड को समझा दिया कि वो अपनी बेवकूफी वाली मिस्टेक को सुधारे। वहीं अब यूनो भी कहती है कि मॉरिस को भी पनिशमेंट दी गई है क्योंकि उसने गलती करी है, क्योंकि उसने फोर्सफुली हमें तुम्हारी क्लास में भेज दिया। ये सुनकर माकोड़े भी डर जाता है और अब वो कहते हैं अब समझ आया कि आखिर स्कूल में सभी लोग इनसे डरते क्यों थे। और अब अगले सीन में वो लोग वापिस जा रहे होते हैं जहाँ पर शिकी कहता है कि रेमब्रांड सिस्टर ह्यूमन एरिस्टोक्रेट्स हैं, लेकिन वो अपने अपीयरेंस को खुद पर बॉदर नहीं करने देते हैं, बिलीव करना काफी मुश्किल है। तो अब माकोड़े कहता है कि उन लोगों ने कर्ज की वजह से काफी ज्यादा सफर किया। तो शिकी कहते हैं कि क्या उसकी वजह से उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया। तो माकोड़े कहते हैं कि अगर इसके बारे में सोचे तो कर्ज के ऊपर सिल्वर लाइनिंग थी। तो अब शिकी कहते हैं कि वो लोग काफी अच्छे से ग्रो करेंगे। तो माकोड़े कहते हैं हाँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो लोग कैसे ग्रो करेंगे, मैं होप करता हूँ कि उनका फ्यूचर काफी ब्राइट हो। और अब अगले सीन में हम लोग रैम को देखते हैं जो कि काफी सारे बंदों को मारकर उनसे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछ रहा होता है। तो एक बंदा उसे बताता है कि तुम्हें उन सब के बारे में यानी कि किडनैपिंग के बारे में तुम्हें यहाँ कुछ भी पता नहीं चलेगा। और अब अगले सीन में हम लोग मिस्टर ब्राइट को देखते हैं जो कि टेबल के सामने खड़े होकर हंस रहे होते हैं। जिसके बाद राइम अब एक और जगह पर जाता है और कहते हैं कि क्या ये एकेडमी का कंपाउंड का एक पार्ट है, ये जगह तो रेनोवेट हो रही है। वो अब आगे जाता है और देखता है कि जमीन के ऊपर काफी सारे कपड़े पड़े होते हैं, जिन्हें देखकर राइम कहते हैं कि ये सारे कपड़े तो नए लग रहे हैं। तभी राइम को किसी बंदे के चलने की आवाज आती है। तो अब राइम जल्दी से अपनी तलवार को निकालकर पीछे मुड़ता है और उस बंदे की गर्दन पर तलवार रख देता है और उसे वहीं पर रोक देता है और उसे कहते हैं कि अगर तुम हिलोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर वो बंदा स्माइल करता है और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहाँ पर खत्म। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।